हेलो फैम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब लोग? मैं बहुत अच्छी हूँ। और अभी बज रहे हैं शाम के 6:30 के आसपास हो रहे हैं और बस ये ऑफिस से आए हैं और मैं हो गई हूँ तैयार। और आज हम फिर से जा रहे हैं विशाल मेगा मार्ट, क्योंकि उस दिन जब हम गए थे तो हम कर्टन्स लेके आए थे, तो जो कर्टन्स हैं वो हमें करने हैं रिप्लेस। उसकी जगह पर हमें लेने हैं थोड़े बड़े साइज़ के, और वही हम लेने जा रहे हैं। और काफ़ी अच्छे कर्टन्स थे, वो मैं तब दिखाऊंगी आप लोगों को जब मैं लगा लूँगी, उससे पहले मैं नहीं दिखाऊंगी क्योंकि फिर वो थोड़ा सा लुक ख़राब हो जाएगा ना, क्योंकि ऐसे देखना और लगे हुए देखने में फ़र्क होता है। लगे हुए उसके ऊपर लाइट लगी हुई, तो मैं सोच रही हूँ अपना एक कॉर्नर बनाने के लिए जहाँ पर हम लोग वीडियो बनाया करेंगे, फ़ोटो खींचा करेंगे। तो वो होगा मेरा एक ऐसे ही टेम्प्ररी मिनी स्टूडियो कह लो, फोटो स्टूडियो टाइप, मतलब फ़ोटो स्टूडियो तो नहीं कि हाँ बैठ के फ़ोटो वगैरह खींचने के लिए। यहाँ पर थोड़ी सी लाइट ज़्यादा करवा ली है, मतलब कि सामने लाइट लगवा ली है ताकि जो है यहाँ पे लाइटिंग अच्छी आए। तो बस अभी हम निकलेंगे थोड़ी देर में और चलेंगे आप लोगों के साथ विशाल मेगा मार्ट। उस दिन यार इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें थी वहाँ पर। अगर कोई यहाँ रहता है, जिसे पता है मैं जहाँ रहती हूँ उसके आसपास, तो यहाँ पास में ही विशाल मेगा मार्ट खुला है। आप लोग समझ जाओ कहाँ खुला होगा, चंडीगढ़ स्वीट्स के पास। तो आप लोग वहाँ जाके विशाल मेगा मार्ट में एक बार ज़रूर ट्राई करें। वहाँ पे लेडीज़ के कपड़े और बच्चों के कपड़े और घर का सामान, ग्रॉसरी, हर चीज़ पे ना काफ़ी अच्छा और हैवी डिस्काउंट है, काफ़ी अच्छा और हैवी डिस्काउंट है। आप जाके अगर देखोगे तो मज़ा आएगा बहुत ज़्यादा। और वहाँ जो गोलगप्पे वाला था, जिसने लास्ट वीडियो में देखा होगा, वहाँ के गोलगप्पे भी ज़रूर खाएं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। ऐसा नहीं था कि टेम्प्ररी या काम चलो टाइप होंगे, ऐसा नहीं था, बहुत अच्छे थे। और आज हम जा रहे हैं फिर से विशाल मेगा मार्ट, और हो सकता है हम बाहर से खाना वाना खा के आएँ। वैसे तो मैंने दाल बना ली है, वापस आके तड़का लगाना है और राइस बनाने और बस रोटी बनानी है। और ये तीनों पड़े हैं यहाँ पे। आजकल ना मेरा ना इनको ना यहीं रखने का मन करता है, मैं बेडरूम में लेके नहीं जाती इनको, इन तीनों को मैं यहीं रखती हूँ, पड़े रहते हैं यहाँ पे, इनके साथ मैं भी पड़ी रहती हूँ यहीं पे, तो काफ़ी भरा भरा सा लगता है बस। और दिवाली की तैयारी चल रही है ज़ोरों शोरों से, सफाइयाँ चल रही हैं, और दिल्ली से भी कुछ लोग आने वाले हैं, कुछ लोग का मतलब कुछ कोई आने वाला है, तो आगे व्लॉग्स में वो भी आएंगे अगर उन्होंने चाहा तो, ज़बरदस्ती नहीं है किसी से बस। फिर और बस मैं अपनी वॉच पहनूंगी जल्दी से, जूते पहनूंगी और थोड़ी देर में निकलेंगे और बस चलते हैं। और कैसे क्या पर्दे लेते हैं, लेट्स सी, दिखाऊंगी नहीं लेकिन फिर भी लेट्स सी। गए हैं विशाल मेगा मार्ट आज फिर से, क्योंकि हमें जो है कर्टन्स रिप्लेस करने थे। और गोलगप्पे वाले भैया जो है आज भी खड़े हैं, तो वापस आते टाइम अगर ये रहे तो ज़रूर खाएंगे। पहले हम यहाँ पे ना एंट्री के टाइम पे पूछ लेगी रिप्लेसमेंट कहाँ से होगी। आज तो बहुत ज़्यादा भीड़ भर गई है पूरी, और मुझे अब हम आ गए हैं फिर से मेन सेक्शन। मेरी होगी हालत ख़राब बहुत ज़्यादा आज फिर से, यहाँ आओ फिर जाने का मन ही नहीं करता घर पे। और मैं एक अच्छा सा छुपने वाला कोना देख के बैठ गई हूँ, और मेरी टोकरी होगी, दिस इज़ माई टोकरी एंड दिस इज़ फुल। प्यास भी लग रही है बाहर निकल के, जब तक बाहर निकलेंगे एक तो रात होगी है, तो कहीं गोलगप्पे वाला ना चला जाए, मेरे गोलगप्पे भी मिस हो जाएंगे। और हमने ना ये सॉक्स भी, मैं एक काम करूँगी कल ना आप लोग को जाके शॉपिंग दिखा दूँगी, नहीं हाँ ये सॉक्स भी लिए हैं, काफ़ी अच्छे हैं।
और लेना है कुछ? 99 हम वहाँ से निकल गए. अब हम खाएंगे गोल वो पकोड़े, मिक्स पकोड़े, मिक्स पकोड़े जो कि बहुत ही. क्या खत्म हुए? नहीं अभी सारे ही हैं उसके पास पकोड़े. और एक ये शॉप है जिसके पकोड़े बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं. हम लोग जब भी मार्केट जाते हैं हम इसके पकोड़े ज़रूर खाते हैं. अगर आप लोग यहाँ आसपास हैं तो इसके पकोड़े एक बार ट्राई ज़रूर करना. बहुत स्पेशल पकोड़े हैं इसके. और जो इसका एक सीक्रेट मसाला है ना वो मैं एक दिन जाके ही पूछूँगी किसी दिन. और ये देखो गर्मा गर्म आ गए हैं पकोड़े. ये मिक्स हैं, मतलब इसमें आलू गोभी मिर्च और दाल का मिक्स है ये. और खाने के बाद आ गया है मज़ा बहुत ज़्यादा. और अब चलो घर चलते हैं फटाफट से. हम आ गए हैं वापस घर खा पी के थोड़ा बहुत. और हम लेके आए हैं क्या क्या वो मैं आपको थोड़ा बहुत दिखा देती हूँ. हम लाए हैं ये कटोरियाँ जो कि बाउल सेट है, कांच की कटोरियाँ, जैसे कि गाजर का हलवा खाने के लिए. ये हम गाजर का हलवा खाया करेंगे इसके अंदर, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगेगा, देखने में भी अच्छा लग रहा है. टेबल पर रख के देखते हैं. वाओ ये तो काफ़ी अच्छा लग रहा है ना. तो बस फिर हमारी ये जो हैं कटोरियाँ काफ़ी अच्छी लग रही हैं. पता कितने की हैं? एक पूरा पैक. ये पूरा पैक है 99 रुपीज़ का, यानी कि 100 रुपीज़ की 6 कटोरियाँ. वाओ है ना एकदम मस्त डील. तो ये 99 रुपीज़ की हैं सारी कटोरियाँ. सर्दियाँ भी आ रही हैं और मोजे वगैरह जल्दी सूखते नहीं हैं, तो उसके हिसाब से हमने सर्दियों वाले सॉक्स लिए हैं. ये हैं 3 पेयर हैं, एक ब्लैक में, एक वाइट में, एक ग्रे में. और ये हमने मिले हैं 129, यानी कि 130 रुपये के. ये इस पर लिखा हुआ है प्राइस पर आपको दिखेगा उल्टा. एक ये हमने ये लिया, ठीक है. कर्टन्स लिए हैं ना वो मैं आपको लगने के बाद दिखाऊँगी कि लगने के बाद कैसे लग रहे हैं. कॉम्बिनेशन में लिए हैं, एक लिया है लाइट में और एक लिया है सॉलिड में. एक फैब्रिक नेट का कपड़ा है, एक सॉलिड कपड़ा है. तो दोनों को कॉम्बिनेशन करके लगाएंगे ताकि काफ़ी अच्छा सा लुक आएगा. तो फिर लेट्स बस आ गए घर. दाल में बना के गई थी, अब बस उसको तड़का लगाना है, राइस रोटी बनाने हैं और फिर खाएंगे और सो जाएंगे. कल भी बहुत सारा काम है. मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट व्लॉग में. तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें. और दिवाली की तैयारियां कैसी किसकी चल रही हैं वो मुझे ज़रूर बताना. चलो बाय करो. बाय, हैव अ नाइस डे. सॉरी हैव अ नाइस डे और नाइट, मेरी तो रात हो गई है. चलो मिलते हैं, बाय बाय नेक्स्ट व्लॉग में.